मुकामी यकजहती कश्मीर के मौके पर वजारत सकाफत खैर पख्तूनख्वा के एहतमाम वाक का एहतमाम किया गया। नेशनल हॉल के करीब होने वाली वाक में सूबाई वजीर इत्तला'आत मुश्ताक गनी, पीटीआई की सूबाई सदर आजम स्वाती और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। वाक के बाद नेशनल हॉल में मुनक़िद होने वाली तकरीब में स्कूल के बच्चों ने कश्मीरी सकाफत और वहाँ पर होने वाले भारतीय फौजी मजालिम के हवाले से खाके पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने भारत को सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बनाने की मुखालिफत की। तमाम ममालिक से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस तजवीज की मुखालफत करें कि हिंदुस्तान को सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाया जाए। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सजाई गई इस तकरीब में जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। अमेरिका की खुशनूदी की खातिर अपने बहुत मुजाहिदीन पे पाबंदी लगाई जाती है। जो 68 साल से कश्मीर की जंग लड़ने की बात कर रहा है, आज उसका कोई वजीर खारजा भी नहीं है, आज उसकी खारजा पॉलिसी भी उसके हाथ में नहीं है। और एक तरफ जो मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, जिसमें सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा उसका मुतासर है। तकरीब में बात को सलामती काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाने के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, पेशावर।